ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਰੂਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਸੁਹੁੱਡਾ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਰੀ ਹੈ ਸੋ ਚਰੂਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਰੀ ਹੈ ਸੁਹੁੱਡਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਬ ਇਹ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿੱਤ ਗਈ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿੱਤ ਗਈ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਰ ਗਈ ਔਰ ਉਸਕੇ ਹਾਰਨੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸਕੇ ਹਾਰਨੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ अब आप ये पूछेंगे भूपिंदर सिंह हुड्डा कैसे हैं? भूपिंदर सिंह हुड्डा ने जो भी उसके उसके पसंद के लोग नहीं थे उन सभी को किनारे किया एक राजे की तरह चाहे उसमें उसी की पार्टी के लोग थे जैसे कुमारी शैलजा है जैसे किरण चौधरी होगी या जैसे रणदीप सुरजेवाला हो गया या जैसे वो सिरसे वाला था तमर और अगर आप दूसरी तरफ देखें तो हरियाणा के अंदर जो माहौल बना था वो किसान आंदोलन की वजह से कांग्रेस के पक्ष में बना था क्योंकि जब भी कहीं आंदोलन होता है तो वो सरकार के खिलाफ होता है और विपक्ष के फायदे में जाता है कहीं भी आप पूरी दुनिया में आप देख लें तो कांग्रेस को ये घमंड हो गया कि सब सब कुछ तुम्हारे नीचे गुजर रहा है अब उन्होंने हम एक टिकट मांगते थे हमें किनारा किया रमेश दलाल जिसने राजीव गांधी हत्याकांड का केस अपने जान पे घेर के लड़ा था उसको किनारे किया और आप देखें आम आदमी पार्टी से समझौता होता था वो उनसे नहीं किया चौटाला से नहीं किया जो भी इसको मतलब इसको ये लगा कि बस सब तो तेरा तो राज आएगा ही और तू खुदा बन जा इसको इसके अंदर जो भावना थी वो ये थी कि मेरे सामने कोई बोलने वाला मेरे राज में नहीं होना चाहिए नहीं मैं चुडूनी साहब का बहुत इस पे शुक्रिया अदा करता हूं भी उन्होंने सच सच लोगों के सामने रखा क्योंकि यही चीज हमारे साथ हुई थी जब मैं इलेक्शन लड़ रहा था जहां पंजाब में हम एमपी की इलेक्शन लड़ रहे थे तो हर जगह ये पैसे लेके बसें लेके हम भी सोचते थे भी इतना इनके पास पैसा कहां से आ रहा है अब चुडूनी साहब ने बताया भी हरियाणा में और पंजाब में हम कांग्रेस से आम आदमी से पैसा लेके बीजेपी का विरोध करते थे हम वहां पे दंगे करते थे हम वहां पे जो है लोगों को इकट्ठे करके पत्थर रोड़ा फायर आग सब आगजनी करते थे आज वो चुडूनी साहब ने सच बोला है आने वाले दिनों में जब कांग्रेस तो काम निकाल के अपना परे जाती है और दूसरा अब देख लिया अभी किसी को चेयरमैन ही नहीं मिलनी भाई अब किसी को कोई एमएलएशिप नहीं मिलनी कोई राज्यसभा नहीं मिलनी क्योंकि हार गई कांग्रेस जम्मू में भी साफ हो गई हरियाणा में भी साफ हो गई यहीं किसान लीडर थे ना पंजाब में पहले ही इनकी सफाई हो चुकी है एक बहुत बड़ा जो कहते हैं ना देश के खिलाफ बड़ी जो राजनीति घटिया राजनीति की जा रही थी उसका पर्दा जो है चुडूनी साहब ने उठा दिया तो अब मेरी ख्याल से सब लोग भी समझ गए और ये लीडरों का भी